आजकल दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा वायरल है। आप कहेंगे दिल्ली में छाई हुई है दिल्ली पुलिस या कोई और बात है, तो ऐसी बात नहीं। वैसे तो दिल्ली पुलिस दिल्ली के कोने कोने में है और दिल्ली पुलिस को हर कोई देखता है, इस लिहाज से दिल्ली पुलिस के बारे में बातें होना लाजमी है। लेकिन दिल्ली पुलिस अपने कुछ जानकारी देने वाले, लोगों को सलाह देने वाले कुछ ऐड के जरिए वायरल हो रही है। ये सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है, जो लोग इसको अखबारों में देख रहे हैं वो भी बातें कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ दिन पहले एक ऐड निकाला था जिसमें अभिनेता परेश रावल के फिल्म हेरा फेरी के एक डायलॉग से शुरुआत की थी, जिसमें परेश रावल कहते हैं कि उठा ले रे बाबा लेकिन मुझे नहीं, उसको उठा ले। खैर, दिल्ली पुलिस ने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया अपने रूप में और परेश रावल की फ़ोटो लगाते हुए लिखा कि उठा ले रे बाबा लेकिन मुझको नहीं, जो बिना जानकारी वाहन बेच देते हैं या ले लेते हैं, किसको बेच रहे हैं किससे ले रहे हैं उनको उठा ले। तो इसकी काफ़ी तारीफ भी हुई इस ऐड की, थोड़ा सा इनोवेटिव लगा, अलग लगा लोगों को मैसेज देने का तरीका दिल्ली पुलिस का। और दिल्ली पुलिस ने जब ये देखा कि लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही, तो दिल्ली पुलिस ने कदम भी आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। एक फेमस फिल्म है अमिताभ बच्चन की, नाम आप गेस कीजिएगा, मैं डायलॉग आपके सामने रख देता हूँ, आज खुश तो बहुत होगी तुम, कुछ ऐसा ही। और दिल्ली पुलिस ने अमिताभ बच्चन की फोटो के साथ इसी ऐड को पेपरों में भी छपवाया, सोशल मीडिया में भी दिया है। सबसे ऊपर अमिताभ की फोटो है और उसके साथ लिखा है आज खुश तो बहुत होगी तुम। उसके बाद नीचे संदेश लिखा है कि लावारिस वस्तु की जान जानकारी देने वाले की पहचान दिल्ली पुलिस गुप्त रखती है, इसलिए आज खुश तो बहुत होगे तुम। यानी लोगों में एक मैसेज देने की बात, मैसेज देने की कोशिश है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि अगर आप दिल्ली पुलिस के आंख नाक कान बनते हैं तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा नहीं आएगा। हालांकि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो जानकारी किस लिहाज से दिल्ली को, देश को ठीक रख सकती है, महफूज रख सकती है, बचा कर रख सकती है, उस लिहाज से आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। लेकिन देश को जरूर बचा लिया जाएगा, दिल्ली को जरूर बचा लिया जाएगा अगर बहुत खास जानकारी है तो। और इसके आगे ऐसे लोगों को इनाम से भी नवाजा जाता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के इन एडवर्टीजमेंट की, जिनके जरिए दिल्ली पुलिस लोगों की नब्ज टटोल रही है, नब्ज पकड़ रही है और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो रही है। कि अक्सर ये माना जाता था, लोग ये कहते थे कि भाई पुलिस से दूर की दोस्ती अच्छी, अक्सर लोग यही कहते थे। वो थोड़ा गलत सेंस में कहते थे कि आप अपराधी ना बने, पुलिस के नज़दीक ना जाएं इस तरीके से। लेकिन कहीं बहुत एक खिंचाव होता गया, जिस तरह से पुलिसिंग होती थी लोग होते थे। और अब नए ज़माने में जो पुलिसिंग है वो लोगों के नज़दीक लाने की कोशिश कर रही है खुद को, लिहाजा ऐसी इनोवेटिव चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिससे लोगों को गुदगुदाया जाए और मैसेज भी दे दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी दिल्ली पुलिस क्या कुछ कर रही है। आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताइए हमें कि क्या कोई और डिपार्टमेंट भी ऐसा कर रहा है, और कर रहा है तो उसकी फोटो और मैसेज आप लिखिए, हम उसके ऊपर भी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे और जब वीडियो बनाएंगे तो जरूर आपका जिक्र करेंगे कि आपने जानकारी हम तक पहुंचाई है। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार, अपने आइडियाज आगे आने वाले वीडियोस पर हमें लगातार देते रहे। फिलहाल नमस्कार।